गोरखपुर विश्वविद्यालय शोधपीठ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन विषय संगोष्ठी का आयोजन बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में फैजाबाद स्थित राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर नरेश प्रसाद भोक्ता, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी, प्रोफेसर विनोद सिंह सहित प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। गोष्ठी के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन विषय पर अपने अपने विचार रखे। दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन पर, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उपलब्धियां रही, जो उनका कार्य था उस पर, लेकिन उसमें कई शर्तें हैं। दोनों कुलपति महोदय इसकी को जानते हैं, तीनों जानते हैं। 50 लाख रुपए हर विश्वविद्यालय को दिए गए। उसमें कहा गया कि 50% जो है वो फिक्स डिपॉजिट होगा, 40% अवस्थापना सुविधाओं के लिए होगा, 10% पुस्तकों के लिए होगा, और जो वो 25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट है उसमें जो इंटरेस्ट आएगा उससे शोध होगा। अब जब इंटरेस्ट आएगा तो शोध शुरू होगा, ऐसी योजना है। और बड़ी कड़ाई से कहा गया है इसके इधर आप इसको खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक दूसरा उपाय निकाल सकते हैं। महोदय, मैं 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व बहुआयामी था, उनका वो अगर एक राजनेता नहीं होते तो जैसा प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र जी पहले भी मुझे बताते रहे, उन्होंने 2 उपन्यासों की भी रचना की, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य। आप ये साहित्य बात करें, आर्थिक क्षेत्र में भी उनका जो एकात्म मानववाद का जो चिंतन है वो अद्भुत है। केवल मैं एक दो चीज कहूं, जैसे सूत्र बांटना, उत्पादन बढ़ाना है, उपभोग में संयम रखना है, और वितरण में समानता होनी चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, हम लोग कैसे शोध कर सकते हैं। मैंने तो कह दिया इंटरेस्ट दबाएगा तो शोध, नहीं, ऐसा नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के का समग्र साहित्य जो है अपने पुस्तकालय में, शोधपीठ के पुस्तकालय में उपलब्ध है। 15 वॉल्यूम में है, मोटी मोटी किताबें हैं, 15 वॉल्यूम है। आप कभी भी आए उसको पढ़ सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, इतिहास का क्षेत्र हो, हम लोग शोध करा सकते हैं, कर सकते हैं, आवश्यकता है वहां आने की। एक और सूचना में दे दूं, फिर अभी बात करूं। 10:30 बजे से प्रतिदिन, रविवार छोड़कर माने कार्य दिवस में, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक शोध पीठ खुला रहता है। उसमें लगभग 350 पुस्तकें हैं जो केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में ही नहीं, उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों उन पर साहित्य उपलब्ध है। प्रसन्नता होगी जब हमारे नवनियुक्त अध्यापक, पुराने अध्यापक, हमारे शोधार्थी वहां आएंगे और कहेंगे कि मैं ये किताब पढ़ना चाहता हूँ, ये चीज पढ़ते हैं। और अभी आप कह रहे थे किस प्रकार से साहित्य के विषय, मुझे भी ध्यान है कि एक बैठक में खाली बैठे बैठे उन्होंने चंद्रगुप्त करके एक नाटक की रचना की, बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत ही कुछ आक्रमण झुके, और साथ में जो एक उनका दृष्टिकोण था कि कोई व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है, कोई जाति संप्रदाय वाद में विश्वास नहीं करना है, सब इंटीग्रेटेड हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक सर्पिल संरचना है, सब एक दूसरे के पूरक है, कोई परस्पर विरोधी नहीं है,
और इस पूरकता के भाव को लेकर सभी दूसरे के अनुकूल है, ऐसा भाव लेकर एकात्मता का जो दृष्टिकोण बन दिया, जो दर्शन दिया है, वास्तव में वो दर्शन आज जब विश्व पूरे तरह इस मोड़ पर खड़ा है कि अलग अलग बात, अलग अलग विचार, अलग अलग व्यक्तियों की निष्ठा जो अलग अलग जो हो गई है, उस अलग अलग को कैसे हम जोड़ सकते हैं, उसकी बात अगर हम करें तो शायद एकात मानव दर्शन को पढ़ना भी चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि इस सभागार में हम चर्चा कर रहे हैं और यह धरती भी ज्ञान पीठ है, गोरखपुर गोरक्षधाम या ज्ञान की परंपरा, त्याग की परंपरा, बलिदान की परंपरा, तमाम परंपराओं का समुच्चय एक जगह है। और ऐसे में जब दीनदयाल जी को हम याद करते हैं और एक पंक्ति सामने है, उसको मैं उसी के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि राष्ट्र मंदिर में राष्ट्र पुरुष की मूर्ति स्थापित करके उसे अभिमंत्रित करना है। आखिर में राष्ट्र और वह राष्ट्र का जो मंत्र है, जो उस चिंतन की परंपरा, कोई राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। और बहुत बड़ी बात जिसकी बात मुख्य वक्ता जी और मनोज दीक्षित जी आगे इसकी चर्चा करेंगे। और उन्होंने क्योंकि दीनदयाल जी की जो खूबी थी, जैसा कि मैंने उनको पढ़ा, पढ़ करके जाना, लोगों से सुन करके जाना, कि चिंतन का ऐसा मनीषी जिसने पूरी केवल सोचना नहीं बल्कि सोच को कर्म के आधार पर व्यवस्थित करना, उसको आगे चलाना, यह दीनदयाल जी की बड़ी खूबी थी।